सही। और विराट, आपकी ये नई नई दोस्ती तो हमें बहुत पसंद आ रही है। कितना खुलकर करते हैं आप एक दूसरे से बातें। लेकिन ये बात पाखी को बिल्कुल भी पसंद नहीं। वैसे आपको एक आइडिया दूं, आई नो कि ये पाखी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। क्यों ना आप करा लें अपनी एक अच्छी सी फ़ोटोशूट और फ्रेम कर लें उन पिक्चर्स को एज मेमोरी। पर क्या करें, आपकी लाइफ में भी रोज़ाना आते हैं नए ट्विस्ट एंड टर्न्स। आज कौन से नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं सही और विराट की लाइफ में, आइए देखें। विराट, तुम्हारी बीवी घर के सारे कामों का बोझ मुझ पर डालना चाहती और खुद कुछ नहीं करना चाहती। पाखी की चाल। अगर आपको लगता है कि आपको बुरे सपने आएंगे और आप मेरे कमरे में मेरे साथ नहीं चलना चाहती, तो मैं आपके साथ आपके कमरे में सो जाती हूँ। सही बनी ढाल। अगर आपको बुरा सपना आया भी, तो मैं वहाँ आपके पास होंगी, आपको डर नहीं लगेगा। स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में शुरू हो गई है सौतनों के बीच तकरार। जहाँ एक तरफ पाखी विराट के करीब आना चाहती है, तो वहीं अपने प्यार के लिए ढाल बनकर हमेशा खड़ी हो जाती है सई। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जब पाखी विराट के कमरे में पहुँचती है एक नया बहाना लेकर। लेकिन तभी सई वहाँ पहुँच जाती है और बातों ही बातों में पाखी को खूब खरी खोटी सुनाती है। और वो खुद पाखी को अपने कमरे में छोड़कर आती है, यानी कि विराट को लेकर सई और पाखी के बीच जंग शुरू हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ घर में चल रहा है नया ड्रामा, शॉपिंग को लेकर हो गया बवाल। असल में सई और विराट दिवाली शॉपिंग के लिए जाना चाहते थे, लेकिन काकू ने ऐसा करने से उन दोनों को रोक दिया। भाई रीति रिवाजों के बीच फंस कर रह गई है काकू, और ये बात सई को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसीलिए फिर एक बार काकू सई पर भड़क जाती है। और काकू, आप ही तो यही सब लिखती ना लिस्ट में अपने, फिर भी आपको लगता है कि इसमें आपको कुछ ऐड करना है, तो लीजिए अब ऐड कर दीजिए। इस घर में शॉपिंग की लिस्ट हो या कायदे कानून, सिर्फ और सिर्फ वाणी नागेश चव्हाण ही तय करेगी और आगे भी करती रहेगी। काकू इज एंग्री बर्ड, गुस्से में ही रहती है। मुझे देखते ही वो उनको गुस्सा आ जाता है। मैं रिबेल हूँ ना घर की, तो आई थिंक उनको उनके खिलाफ बगावत करती रहती हूँ, अपनी ओपिनियन रखती रहती हूँ। तो आई थिंक इसलिए काकू उनको आई थिंक ये आई डोंट नो एक्चुअली, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता पाएंगी बेहतर। दीज रेस्ट्रिक्शंस के आप नहीं कर सकते और विदाउट लॉजिक, तो आई थिंक ये है। बट कहीं ना कहीं काकू को लगता है कि घर के रीति रिवाज है कि ये काम बड़े ही करते हैं, शॉपिंग का काम बड़े ही करते हैं, कि दिवाली की पूजा की शॉपिंग और जो भी शॉपिंग है वो बड़े ही करते हैं। यानी कि जहाँ एक तरफ सई को बाकी से विराट को बचाना है, तो वहीं दूसरी तरफ उसे घर के रीति रिवाजों को भी संभालना है। अब देखना होगा कि सई इन दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करती है। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।